नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6800 अपडेट न्यूज में। तो आज की अपडेट ये है कि 6800 की नियुक्ति पत्र को लेकर के आज भी ज्ञापन कार्यक्रम अपने पूरे जोर शोर से उठाया गया। यहाँ पर 6800 को नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी घोसी विधायक दारा सिंह चौहान से मिलने पहुँचे। इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ज्ञापन कार्यक्रम है जो जारी रहा। वहीं जौनपुर टीम ने कल जो है योगा दिवस के अवसर पे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को वहाँ पर नियुक्ति के लिए ज्ञापन सौंपा। उसके अलावा उनसे मुलाकात के बाद आज वे लोग फिर पहुँचे हुए थे अपना दल कार्यालय पे, वहाँ फिर से उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ये कल का अपडेट है जिसमें उन्होंने अनुप्रिया पटेल जी से अपने नियुक्ति को लेकर के ज्ञापन सौंपा था और उनको आश्वासन भी मिला है सार्थक। वहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसमें कई मुद्दे पर चर्चा हुआ है, जिसमें 6800 नियुक्ति को भी लेकर के सीक्रेट चर्चा हुआ है। अधिकारियों को कोर्ट के जो केस लगा है 12 जुलाई उसको लेकर तैयारियों को लेकर के, इसके अलावा 6800 की तैयारी और इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अब तक डाटा प्राप्त हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट के और जहाँ के नहीं प्राप्त हुए उसकी जानकारी अधिकारियों से ले रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से अब कई डिस्ट्रिक्ट से जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ज्ञापन जो अधिकारियों को सौंपे गए हैं वो भी उनको भेजा गया है, जिसमें 6800 की नियुक्ति को लेकर के मंत्री जी को काफ़ी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य बैठक की बात करें तो अधिकारियों के साथ जो चर्चा हुआ है विस्तृत, जिसमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अब तक का जो डाटा प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती की प्रबल संभावना इसलिए बन रही है कि शिक्षक छात्र अनुपात इस समय फिर अंतर आ गया है, क्योंकि कोरोना काल के बाद सरकारी स्कूलों में जो बच्चों का संख्या है वो बढ़ चुका है, जिसमें जौनपुर में ही 1 लाख से अधिक छात्रों की संख्या इसमें बढ़ी हुई है। और यूपी में 10,000 युवाओं को नौकरी जल्द मिलेगा, मुख्यमंत्री जी के बयान। काका कहना है जिस दिन 100 दिन का कार्यकाल सरकार का पूरा हो जाएगा उस दिन 10,000 युवाओं को नौकरी मिल जाएगा। जबकि रोजगार राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, इको गार्डन से आवाज़ उठाई, योगी सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा पूरा करे, युवा मंच की ओर से कहा गया।